अच्छा, हल्क और स्पाइडरमैन में क्या कॉमन है? रेडिएशन। जी हाँ, रेडिएशन ही दोनों में कॉमन है जो इन दोनों को सुपर ह्यूमन बनाता है। कम से कम कॉमिक्स और मूवीज में तो बनाता ही है, लेकिन रियल लाइफ में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। रेडिएशन के डेली लाइफ में बहुत से यूजेस हैं, जिन्हें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या आपको याद है कि न्यूक्लियस सभी एटम्स के ठीक सेंटर में होता है? वेल, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में गामा रेज एमिट करते रहते हैं। वैसे रेडिएशन की डिटेल्ड स्टडी के लिए आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए अब हम रेडिएशन के अलग अलग यूजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गामा रेडिएशन। रेडियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। रेडियोथेरेपी में बॉडी के कैंसर अफेक्टेड एरिया को गामा रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। रेडिएशन कैंसर सेल्स का डीएनए डैमेज करके उन्हें फैलने से रोकता है या मार देता है, और फिर डेड कैंसर सेल्स छोटे टुकड़ों में बंट के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अभी बताए गए स्टेप्स में रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को मारना इतना इजी और फास्ट टास्क नहीं है। रेडियोथेरेपी के जरिए उन टिश्यूज को भी खत्म किया जा सकता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। उदाहरण के लिए ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट के लिए भी रेडियोथेरेपी की जाती है। थायराइड ग्लैंड से बड़ी मात्रा में थायरोक्सिन निकलने पर घबराहट, चिंता और थकान जैसी समस्याएं पनपती हैं। रेडियोथेरेपी की मदद से थायराइड ग्लैंड की कुछ सेल्स को मार के थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है। सर्जरी के लिए बीटा और गामा रेडिएशन का इस्तेमाल ट्रेसेस की तरह भी किया जाता है। इसमें बॉडी के भीतर थोड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है, और फिर रेडियोग्राफर खास इक्विपमेंट्स की मदद से इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ट्रेस करता है। बॉडी के आर पार निकल जाने के कारण बीटा और गामा रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन याद रहे अल्फा रेज के साथ ऐसा नहीं है। वो किसी सामान्य पेपर से ज्यादा मोटी शीट को भेद नहीं सकती। बेरियम मेज या बेरियम एनिमाज इस तरह इस्तेमाल किए जाने वाले रेडिएशन के कॉमन एग्जांपल्स हैं। स्मोक डिटेक्टर्स लगातार अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जिन्हें सेंसर्स डिटेक्ट करके सर्किट में करंट प्रोड्यूस करते हैं। बीच में स्मोक पार्टिकल्स के आने पर डिटेक्टर तक अल्फा पार्टिकल्स नहीं पहुंच पाते और अलार्म बज जाता है। गामा रेडिएशन का इस्तेमाल हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए तो किया ही जाता है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल पैकेज्ड फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फूड पैकेजिंग से पहले बैक्टीरिया और दूसरे कीड़े मकौड़ों को मारने के लिए भी किया जाता है। अलग अलग तरह के रेडिएशन और उनसे संबंधित खतरों के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें। तो इस वीडियो में हमने रेडिएशन के कुछ यूजेस के बारे में जाना। वैसे तो रेडिएशन के कई यूजेस और भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें सुपर ह्यूमन नहीं बना सकते। ओके?